पायलट पार्टी बना के आते हैं तो जवान उनके साथ भी है, गुजर समाज उनके साथ है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मजबूत स्थिति हमारी हो जाती है। और अगर कांग्रेस में रह गया ना पता ही नहीं लगेगा। पार्टी बना ले, हमसे गठबंधन कर ले तो राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। पार्टी मैंने आपको क्या बताया, पार्टी बनाने में बहुत जोर आता है। पार्टी बना के किसी ने लड़ाई लड़ते हो नागौर के सांसद ने किसान जवानों के संघर्ष आशीर्वाद से पार्टी बनाई और पार्टी चला ही बना के उस पार्टी को मान्यता दे रहा है। लोग पार्टी बना लेते हैं लेकिन वोट अगर नहीं आते तो उनका चिन्ह चला जाता है। वो बनाए तो अच्छी बात, अगर वो नहीं भी बनाते हैं हम तो लड़ाई लड़ेंगे राजस्थान। हमने हमारा ऐलान ये कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी से बिना समझौते के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन दलों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, जो तीसरा मोर्चा वो पहला मोर्चा बनाएगा राजस्थान का। जवान बदलाव चाहता है और जवान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में देख रहा है। कोई व्यक्ति है जो लड़ रहा है इस स्टेट के अंदर, और अगर कांग्रेस में रह गया ना पता ही नहीं लगेगा। पार्टी बना ले, हमसे गठबंधन कर ले तो राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। पार्टी मैंने आपको क्या बताया, पार्टी बनाने में बहुत जोर आता है। पार्टी बना के किसी ने लड़ाई लड़ते हो नागौर के सांसद ने किसान जवानों के संघर्ष आशीर्वाद से पार्टी बनाई और पार्टी चला ही बना के उस पार्टी को मान्यता दे रहा है। लोग पार्टी बना लेते हैं लेकिन वोट अगर नहीं आते तो उनका चिन्ह चला जाता है। ये बड़ी बात है। आपकी उनसे कोई इन दिनों में बात हुई क्या? तो रोज बात होती है, बात होती है ना मेरी, लेकिन यही बात होती है पार्टी बनाओ वाला। जैसे सूत्रों से खबर आ रही है कि उनकी पिताजी की जो पुण्यतिथि है उस पर वो घोषणा कर सकते हैं। अब करें ऐसा है, वो बनाए तो अच्छी बात, अगर वो नहीं भी बनाते हैं तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे राजस्थान। हमने हमारा ऐलान ये कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी से बिना समझौते के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन दलों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है उन तमाम दलों से बात करके, हमने पिछली बार 80 लाख वोट लिए कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस 1.39, 1.37 बीजेपी, और 80 लाख हमारे वोट थे सबके मिला के। ये 80 लाख वोट जाएगा दो गुना होगा, 1.60 के करीब 4 करोड़ पोलिंग होगी। पिछली बार 356 लगभग वोट पड़े थे। सत्ता जो तीसरा मोर्चा वो पहला मोर्चा बनाएगा राजस्थान का। जवान बदलाव चाहता है और जवान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में देख रहा है। कोई व्यक्ति है जो लड़ रहा है इस स्टेट के अंदर, और पायलट पार्टी बना के आते हैं तो जवान उनके साथ भी है, गुजर समाज उनके साथ है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मजबूत स्थिति हमारी हो जाती है। और अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी लड़ाई तो लड़ेंगे और कांग्रेस बीजेपी को